लो यारो, तो बीबीडी सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच होने वाला है। एंड फ्लिपकार्ट पे तो बैनर्स अभी से ही अपलोड होना शुरू हो गए हैं। प्राइस रिवील अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो में तो हम वो भी करने वाले हैं। देखो, हम बात करेंगे प्राइस कट होने के बाद क्या फ्लैश करेगा उस पे प्राइस। डिस्काउंट्स में जो बैंक और एक्सचेंज वाला होता है उसकी बात नहीं करेंगे, वो अलग बात है कि वो क्या देते हैं। एंड हफ्ते भर सेल चलती है तो यार उसमें प्राइस वेरिएशंस भी होता रहता है। तो जैसे ही देखना कि लो प्राइस पे या मैंने जो प्राइस बताया उसके अराउंड आ गया है तो तुरंत से ऑर्डर कर लेना। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आईफोन से, क्योंकि बहुत लोग आईफोन खरीदने को बेताब रहते हैं इस सेल में। आईफोन 11 की बात नहीं करेंगे, 4G फोन है, खड़ा हो उसको। iPhone 12 से शुरू करते हैं और इसकी प्राइस पता चल रही है कि 34,000 में ये फोन आने वाला है। इनफैक्ट अगर आप iPhone 13 लेना चाहते हो तो बेस वेरिएंट उसका 44,000 में आने की चर्चा हो रही है। इनफैक्ट iPhone 14 55,000 में मिलने की चर्चा हो रही है। तो यार ये सब मोस्ट अफोर्डेबल iPhones हैं जो आप इस सेल में बाय कर सकते हो। तुम बिल्कुल से iPhone लेके बाथरूम सेल्फीज ले सकते हो और इंस्टा पे आप अपलोड करके थोड़ा सा रिच लग सकते हो। वैसे यार रिसेंट ये मैंने iPhone 13 का Iconio 7 Pro के साथ कैमरा कंपैरिजन किया है, तो जाके वो भी देख लेना और आगे और कंपैरिजंस आने वाले हैं, तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम Google Pixel फोन्स की तरफ चलते हैं, जो कि नॉर्मली बहुत ही ओवरप्राइस रहता है जब लॉन्च होता है, और जब सेल आती है तो फिर धनाधन धनाधन बिक्री होने लगती है। Pixel 6 से जो लास्ट ईयर 45,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था, वो अभी इस वक्त 25,000 में बिक रहा है। BBD सेल में 21,000 में ये बिकने की उम्मीद है। फोन में देखो कमी है नेटवर्क इशू वाली और यार गर्मा गर्म तंदूरी चिकन बन जाने वाली, लेकिन कैमरा इसका बहुत अच्छा है। दूसरा फोन इस साल का Pixel 7a जो 45,000 के अराउंड लॉन्च हुआ, वो भी बहुत ही ज्यादा ओवरप्राइस है। परफॉर्मेंस उसकी उतनी अच्छी नहीं है, गर्मा गर्म हो जाता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू आते हैं, लेकिन यार कैमरा उसका सही है। तो उसकी प्राइस 30,000 में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है। तो 30,000 में अगर आप एक Pixel फोन चलाना चाहते हो तो 7a को कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज मैं कहूंगी कि आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, और भी डील्स हैं। एंड इससे बेटर Pixel फोन 7 प्रो जो है वो 45,000 में मिलने की उम्मीद है। वैसे अंडर 50 में मैं और भी आपको डील्स बताऊंगी, लेकिन पिक्सल में आपको 7 प्रो 45,000 में मिल सकता है। वेल, अंडर 50,000 की बात हो ही रही है तो वन प्लस की तरफ चलते हैं, जिसने वन प्लस 11 को 5860 के अराउंड लॉन्च किया था और बीबीडी सेल में 48,000 में आपको वन प्लस 11 मिल सकता है। यार वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है एंड बिल्कुल वन प्लस 11 को 50,000 में कंसिडर कर सकते। वैसे इसका एक और डिवाइस है 11R जो 40,000 में मिलता है बेस वेरिएंट। बहुत ही तगड़ा फोन है, वैल्यू फॉर मनी है, और 40,000 के आसपास कोई दूसरा ब्रांड नहीं है जो वो इंपैक्ट छोड़ा है जो 11R ने मार्केट में छोड़ा है, और इसीलिए इसकी प्राइस ज्यादा नहीं गिरेगी, अराउंड 37 में ही आपको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 36 हो सकता है, पर उससे बिलो नहीं जाएगा इसकी प्राइस। अगर आपको 11R लेना है और ये प्राइस अगर आपको दिख गई डील में तो तुरंत ऑर्डर कर देना, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक डील नहीं रहेगी। एंड वैसे Samsung Galaxy फोन्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है बीबीडी सेल में, तो 50,000 के अंदर S22 Plus भी 45,000 में मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आपको S23 की तरफ जाना है तो S23 आपको 52,000 में मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टा में या फिर कॉमेंट में S23 Plus की प्राइस पूछते हैं, एंड उसकी प्राइस बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही है कि 68,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारा बहुत ही ग्रैंड फोन जो है S23 Ultra 1,00,000 के ऊपर मिलता है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ये फोन आपको 90-92,000 में मिलने वाला है। तो बिल्कुल चिपक के बैठे रहना यार Flipkart की स्क्रीन से, एंड डेफिनेटली आप इस डील को ग्रैब कर पाओगे अगर आपको इतना महंगा फोन लेना है। वैसे Samsung का एक और फोन है S21 FE Snapdragon 888 Edition जो कि 50,000 में लॉन्च हुआ था, बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस ही था क्योंकि है तो ये पुराना फोन, बस प्रोसेसर चेंज हुआ है। तो ये सेल में 35,000 में मिलने वाला है। तो अगर आप यार S21 FE के दीवाने से हो कैमरा क्वालिटी को लेके, क्योंकि ओवरऑल ये फोन है अच्छा, बस 50,000 में ओवर प्राइस ही था, 35,000 में इसको बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है, तो इसकी तरफ भी आप नजर डाल सकते हो। एंड जब हम 35,000 की बात कर ही रहे हैं यार, तो नथिंग को कैसे भूल जाए। नथिंग फोन 2 अभी 45,000 में लॉन्च हुआ था, वो भी बिना चार्जर के। फोन बहुत ही
ओवर प्राइस ही था बहुत लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस फोन में मिलते हैं। कैमरा क्वालिटी उतनी अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन ओवरऑल फोन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। एंड इस फोन की प्राइस गिर के होने वाली है 35,000, तो 35,000 की रेस यार बहुत ही तगड़ी हो गई है। एंड लास्ट ईयर जो नथिंग फोन 1 लॉन्च हुआ था यार, उसकी प्राइस लास्ट ईयर बीबीडी सेल में 25,000 हो गई थी, और इस साल बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 21,000-22,000 में आपको नथिंग फोन मिल जाए। तो पिक्सल 6a एंड नथिंग फोन 1 में फिर से कॉम्पिटिशन होने वाला है कि कौन ज्यादा बिकेगा। वैसे मेरी मानो तो नथिंग फोन 1 एक ओवरऑल बेटर फोन है 6a का कंपैरिजन में। एंड 35,000 के कॉम्पिटिशन को देखते हुए मैं वीवो के एक फोन की तरफ गौर करना चाहूंगी, जिसका नाम है V27 Pro। बहुत ही ज्यादा तगड़ी डिमांड है भाई इस फोन की जब से ये फोन लॉन्च हुआ है, क्योंकि यार कैमरा बहुत अच्छा है, डिजाइन बहुत अच्छी है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा पैकेज देता है ये फोन, जिसका मैंने रिव्यू भी किया था और 11R के साथ कैमरा कंपैरिजन भी मैंने इस फोन का किया हुआ है चैनल पे। 38,000 में ये फोन लॉन्च हुआ था और सेल में आपको 32,000 में मिलने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं 30,000 से बिलो की रेंज में, अगर आपका इतना बजट है तो iQOO Neo 7 Pro एक बहुत ही अच्छी चॉइस है आपके लिए। ये फोन 35,000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन सेल में 30,000 में मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन है, वैसे बहुत सारे फोन जो 30,000 में लॉन्च हुए थे उम्मीद है कि वो 25,000 में आपको मिलेंगे। जैसे पोको F5 एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन है, लेकिन यार मदरबोर्ड डेड इश्यूज भी रहते हैं पोको के फोन्स में, तो रिस्क लेके आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो और भी ब्रांड्स है। वैसे पोको F5 25,000 में मिलने की उम्मीद है। मोटो एच 40 बहुत ही अच्छा ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डिवाइस, फीचर रिच डिवाइस हमें 30,000 में मिलता है, ये भी 25,000-26,000 में देखने को मिलेगा। पर अभी हम लोग बात करेंगे 22,000 के आसपास हमें नथिंग फोन 1 और गूगल पिक्सल 6a के साथ और क्या मिलने वाला है। पर मैं कहूंगी कि इन्फिनिक्स 030 25,000 के आसपास जो मिलता है 256GB वाला, तो यार उसको डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ओवरऑल एक पैकेज देता है ये फोन। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये ब्रांड नहीं लेना है, सर्विस सेंटर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो Realme GT2 पुराना डिवाइस है लेकिन बहुत ही अच्छा डिवाइस है। स्पेशली Realme आज के टाइम में कुछ खास अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है, लेकिन ये डिवाइस एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है 22,000 में ग्रैब करने के लिए। एंड थोड़ा सा बिलो जाओ 20,000 में तो फिर iQOO Z7 Pro एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। वैसे अगर आपका बजट 15,000-20,000 वाला है एंड आपका क्वेश्चन है कि यार कौन सा फोन अच्छा है जिसका कैमरा भी अच्छा, तो देखो यार बिलो 20,000 में इतने अच्छे फोन्स आजकल निकल के नहीं आ रहे जिसमें कैमरा भी अच्छा हो। लेकिन मैंने एक iQOO Z7 ट्राई किया था जिसका कैमरा मुझे काफी ठीक लगा था बाकियों के कंपैरिजन में, आप उसे कंसिडर कर सकते हो। ये थी बेस्ट डील्स, मैंने ज्यादा से ज्यादा फोन्स कवर करने की कोशिश की है जिनके बारे में मुझे पता है कि इनकी प्राइस कम होगी। वैसे आपके और भी जो क्वेश्चंस हैं डील से रिलेटेड, बीबीडी या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से रिलेटेड, वो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हो एंड मैं रिप्लाई करके आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी अगर उसके बारे में मुझे नॉलेज होगी तो। टिल देन मेरे दूसरे वीडियो देखो, एंजॉय करो, मस्त लाइफ जियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।